नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण। विद्यार्थियों, मिनरल न्यूट्रिशन का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले पढ़े गए टॉपिक के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं या खनिज पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पादपों के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं, उनकी मात्राओं के आधार पर या उसके शुष्क भार के आधार पर उसको कितने भागों में विभक्त किया जाता है, वे कौन सी विधियाँ होती है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि पादप के ड्राई वेट में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व की क्लास में पढ़े गए टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम का अवशोषण कैसे होता है, इसका स्रोत कैसा होता है, कार्य क्या होता है, न्यूनता या अधिकता से क्या रोग उत्पन्न होते हैं और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। मिनरल न्यूट्रिशन के आज के इस पार्ट में हम कुछ तत्वों को पढ़ेंगे, उनके कार्य कैसे क्या होते हैं, उनका न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं, उससे कमी के कारण पादपों में कौन से प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज के टॉपिक का हमारा सबसे पहला तत्व है, एलिमेंट है, उसको नाम देते हैं मैग्नीशियम। विद्यार्थियों, मैग्नीशियम द्वितीयक गुरुमात्रिक तत्वों में सम्मिलित किया गया है गुरुमात्रिक लेकिन सेकेंडरी प्रकार की, जिनकी आवश्यकता प्राथमिक गुरुमात्रिक तत्वों की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। सामान्य रूप से ये मृदा में कैल्शियम की भांति मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है और पादप इस मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मैग्नीशियम को अवशोषित करता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट विनिमय योग्य सारक के रूप में पाया जाता है। इसमें अपघटन होने से कार्बोनेट और मैग्नीशियम बनते हैं। मैग्नीशियम किसी दूसरे धनायन की सहायता से जड़ की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं जहाँ से इसको अवशोषित किया जाता है। अवशोषण हालांकि इसका मैग्नीशियम धनायन के रूप में होता है लेकिन मृदा में अत्यधिक पानी की स्थिति में अथवा बरसात काल के अंतर्गत जब वर्षा ज़्यादा होती है, भूमि की सतह पर जल अधिक होता है तो वो धीरे धीरे रिसते हुए भूमि की निचली सतह पर स्थानांतरित हो जाता है और इसे ही निक्षालन कहते हैं। मैग्नीशियम की विभिन्न लवण जल में अत्यधिक घुलित होने के कारण वो निक्षालित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वर्षा के समय या बरसात के समय मृदा में मैग्नीशियम आयनों की कमी हो जाती है। कमी का कारण क्या है कि क्योंकि वो निक्षालित होकर के निचली सतह पर चले जाते हैं, उस सतह पर उपस्थित लवणों को या तत्वों को पौधों की जड़ें अवशोषित नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त जब मृदा को पोटास उर्वरकों से उपचारित किया जाए, अर्थात मृदा में पोटास उर्वरकों की अधिकता हो जाती है, उस स्थिति में भी मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं हो पाता या कम होता है। तो दो कारणों के कारण मिट्टी में उपस्थित मैग्नीशियम यदि अत्यधिक मात्रा में है तो भी पादपों को कम उपलब्ध होता है। पहला वो निक्षालित रूप में होने पर और दूसरा पोटास उर्वरकों की अधिक सांद्रता के कारण। अब मैग्नीशियम के क्या कार्य है जिसके कारण इसको खनिज पोषकों के रूप में पढ़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि
पौधों में सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्बनिक यौगिक हैं तो वो है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण पादपों के पर्ण का रंग या पादप के भाग का रंग हरा होता है। यदि क्लोरोफिल नहीं है तो पादप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अणु का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली चारों पायरोल वलय मैग्नीशियम के द्वारा ही आपस में संयोजित रहती है। तो क्लोरोफिल के संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो तो कौन सा है? मैग्नीशियम। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की दोनों उपिकाएं, छोटी उपिकाई और बड़ी उपिकाई, आपस में जुड़ती हैं और राइबोसोम की एक इकाई का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप बड़ी उपिकाई पर उपस्थित या बड़ी उपिकाई और छोटी उपिकाई पर उपस्थित मैसेंजर आरएनए के संलग्न स्थल और पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के स्थल क्रियाशील हो जाते हैं, तो उस जिससे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब तक राइबोसोम की दोनों उपिकाएं आपस में जुड़ती नहीं है तब तक प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ नहीं होता। तो उस उपिकाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देता है वो कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ में इस क्रिया को कैल्शियम के द्वारा भी संपन्न किया जाता है। मैग्नीशियम का तीसरा कार्य विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का घटक होता है, जिसको हम एक्टिवेटर के रूप में मानते हैं, जैसे कार्बोक्सिलेज, इनोलेज, ग्लूकोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज इत्यादि प्रकार का। चौथा कार्य एंजाइम को क्रिया दर से जोड़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य होता है। जब तक कोई क्रियादर या सबस्ट्रेट एंजाइम के क्रियादर स्थल से संलग्न नहीं होता तब तक सबस्ट्रेट उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा कार्य है फास्फोरस वाहक के रूप में, फास्फोरस को स्थानांतरित करने के लिए एटीपी को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने के लिए मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बहुत बड़ा रोल आता है तेलीय बीजों के संश्लेषण में। तेलीय बीजों का, जैसे जिसमें तेल की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होती है, उन बीजों को निर्मित करने के लिए मैग्नीशियम मुख्य भूमिका निभाता है। जब मृदा में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है उस स्थिति में मैग्नीशियम की न्यूनता के फलस्वरूप पादप में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, तो सीधा सा अर्थ है कि जब पादप में मैग्नीशियम की कमी होना प्रारंभ हो जाती है उस स्थिति में क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, तो क्लोरोफिल से संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य अब इस स्थिति में नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे पत्तियों का हरा रंग होना था उसके स्थान पर पीला रंग होना प्रारंभ होता था। तो ये मैग्नीशियम के न्यूनता के लक्षण कहलाते हैं। सबसे पहला लक्षण के संदर्भ में पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम एक मोबाइल एलिमेंट है, चलेमान है, वो एक पादप भाग से पादप के दूसरे भाग में लगातार स्थानांतरित होता रहता है, इसलिए इसको कैसा मानते हैं? हम मोबाइल एलिमेंट के रूप में मानते हैं। ये पुराने ऊतकों से यंग टिश्यूज के अंदर, पुराने ऊतकों से तरुण ऊतकों के अंदर लगातार स्थानांतरित होता रहता है। जैसे कि जब पादप को अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होती है बरसात काल के अंदर, सामान्य रूप से देखते हैं कि पर्ण तीव्र गति से विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, और विकसित होने वाली पर्ण होती है वो सामान्य तौर पर लाल रंग की होती है, जैसे नीम के अंदर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, उसका रंग हरा नहीं होता, लेकिन कुछ एक दिन के बाद में, दो से तीन दिन के बाद में उन पर्ण का रंग भी गहरा हरा रंग हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में उस पादप भाग को मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप
क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में पादप के दूसरे भाग से मैग्नीशियम उस यंग लीफ के अंतर्गत स्थानांतरित हुआ। तो ये इसकी मोबाइल कंडीशन को शो करता है, जिसके फलस्वरूप क्लोरोफिल का संश्लेषण हो जाने से वो पर्ण अधिक गहरे हरे रंग की हो जाती है। ओल्ड टिश्यूज से यंग टिश्यूज के अंतर्गत मैग्नीशियम का स्थानांतरण हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम की कमी कहाँ हो जाती है? ओल्ड टिश्यूज में। इसलिए जितने भी लक्षण मैग्नीशियम की कमी के कारण प्रकट होते हैं वो सबसे पहले पादप के पुराने भागों में पहले विकसित होते हैं, तत्पश्चात युवा भाग के अंतर्गत। मैग्नीशियम की कमी के कारण सबसे पहले पुराने भागों के अंदर क्लोरोफिल का विघटन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप हरा रंग समाप्त हो जाता है, इसकी क्रिया को हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। क्लोरोसिस की प्रक्रिया हो सकता है कि वो छोटे छोटे समूह के रूप में हो जाती है तो धब्बे उत्पन्न होते हैं, अथवा शिराओं क्षेत्र के अंतर्गत क्लोरोफिल रहता है जबकि शेष भाग के अंतर्गत क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शीरीय क्षेत्र होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा आता है नेक्रोटिक स्पॉट, छोटे छोटे धब्बों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम चितकबरापन हरिमाहीनता भी कहते हैं। छोटे छोटे स्थान पर सफ़ेद या पीले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, कारण क्या है? क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना। इसके अतिरिक्त पर्ण जाल का निर्माण हो जाता है, पर्ण है वो बिना मुरझाए हुए सीधे विलग्न हो जाती है, झड़ जाती है, या फिर तना है वो पीताब हरा रंग का हो जाता है, और सामान्यतः मैग्नीशियम की कमी का तना कठोर और काष्ठीय हो जाता है। तो शाकीय पौधों के अंतर्गत काष्ठीय हो जाना वो इसकी उत्पादकता में कमी को प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण तंबाकू में सैंड ड्राउन रोग हो जाता है, और इस रोग के कारण पुराने पादपीय भाग धीरे धीरे पीले पड़ना प्रारंभ हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है। अब इसका अंतिम टॉपिक कि ऐसे कैसे हम मृदा में पाए जाने वाली मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैग्नीशियम के विभिन्न लवण जिसमें कार्बोनेट मुख्य रूप से या सल्फेट है का 20% विलयन यदि पादपों के पर्ण के ऊपर छिड़का जाए या इसका छिड़काव किया जाए तो पादपों में मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। आज के टॉपिक का दूसरा एलिमेंट है सल्फर, जिसका सिंबल एस होता है, ऐसे उसको प्रदर्शित करते हैं। हालांकि मृदा के अंदर सल्फर की कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी दूसरे तत्वों की कमी के कारण इसकी कमी को अपने आप को प्रदर्शित होता है। मृदा के अंतर्गत इसका स्रोत के रूप में ये सल्फेट के रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, या फिर आयरन सल्फाइड के रूप में मौजूद होता है, तो अत्यधिक मात्रा में होता है। लेकिन यदि किसी भी प्रारूप में जैसे सल्फाइड के रूप में या सल्फर के रूप में फिर भी पादपों के द्वारा इसका अवशोषण सल्फेट के रूप में ही होता है। सल्फर का पादपों में कार्य क्या होता है? तो ये विभिन्न प्रकार के विटामिन्स जैसे ग्लूटोथिया, बायोटिन और थाइमिन तथा कोएंजाइम, विभिन्न प्रकार के कोएंजाइम का मुख्य घटक के रूप में काम आता है। विटामिन्स का निर्माण करने के लिए सल्फर प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड का घटक होता है, जैसे सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथियोनिन। तीन प्रकार के एमिनो अम्ल का मुख्य घटक है वो क्या है? सल्फर। सल्फर के बिना इनका संश्लेषण नहीं होता। एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी प्रोटीन से एंजाइम और हार्मोन का निर्माण होता है। तो जब तक कि प्रोटीन नहीं होती तब तक उपापचयी क्रिया सामान्य रूप से संचालित नहीं होती, इसलिए सल्फर की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका एमिनो एसिड के संश्लेषण में होती है। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य आता है वो लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल्स का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सल्फर मटर जैसे पादपों में
यदि मटर को सल्फर अधिक मात्रा में मिलती है तो रूट नोड्यूल्स का निर्माण ज़्यादा होगा, और रूट नोड्यूल ज़्यादा है इसका मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया उसके अंदर ज़्यादा है, और उस स्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य सबसे अधिक होता है। तो लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया सीधे रूप में सल्फर के कारण प्रभावित होती है, क्योंकि पादप भाग में एमिनो एसिड्स के रूप में सल्फर मौजूद है, इसलिए प्याज, लहसुन और ब्रैसिकेसी कुल के पादप जैसे मूली है, पत्ता गोभी है इत्यादि के पौधों के विभिन्न भाग जैसे तना है, पर्ण है, तो बीज है, में से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। जैसे सरसों का एग्जांपल लेते हैं, सरसों को उबाल तेल को उबालते हैं तो उसमें से एक तीखी गंध आती है, प्याज को खाते हैं तीखी गंध आती है जिसके कारण आंसू भी निकलने लगते हैं, तो लहसुन की भी तीखी गंध होती है। ये गंध इसमें पाए जाने वाले सल्फर के यौगिकों के कारण उपस्थित। अब बात करते हैं हम इसके न्यूनता के लक्षण की, तो सल्फर की प्रेजेंस के आधार पर दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, एक तो होता है न्यूनता के और दूसरे होते हैं अधिकता के। जब पादपों को या मृदा में सल्फर की अधिकता होती है उस स्थिति में क्लोरोफिल का संश्लेषण प्रभावित होता है और वह तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है, और जब मृदा में सल्फर की कमी होती है उस स्थिति में सामान्यतः वो लक्षण उत्पन्न होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न लक्षणों के समान सल्फर की कमी से भी लक्षण उत्पन्न होते हैं, दोनों समान होते हैं। सबसे पहला लक्षण है सामान्यतः सल्फर न्यून मृदा में उगने वाले पादपों की पर्ण छोटी होती है, उसमें क्लोरोसिस हो जाने के कारण हरिमयता उत्पन्न हो जाती है, अथवा पर्ण पर छोटे छोटे धब्बे उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं, तो धब्बे युक्त पीलापन बनता है। दूसरा, एपिकल ग्रोथ अवरोधित हो जाती है, एपिकल का मतलब शीर्षत वृद्धि अवरोधित हो जाती है, और शीर्षत वृद्धि अवरोधित होने के साथ ही पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि तीव्र गति से प्रेरित हो जाती है, अर्थात समय से पूर्व पार्श्व कलिका विकसित हो जाती है। तो दो लक्षण एक साथ में उत्पन्न होते हैं, एक तो एपिकल ग्रोथ नहीं होती है और दूसरी पार्श्व कलिका ज़्यादा विकसित हो जाती है, जिसके कारण पादप झुंड नुमा या झाड़ी नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त सल्फर की कमी के कारण स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा जैसे ऊतकों में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो न्यूनता और अधिकता के लक्षण के बाद में हम पढ़ते हैं कि चाहे सल्फर की कमी के कारण पादपों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो एक सामान्य सा रोग है उसका नाम है टी येलो डिजीज, चाय का पीलापन रोग। सल्फर की कमी के कारण हरिमयता अत्यधिक होती है, फलस्वरूप चाय में पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, फलस्वरूप उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, क्योंकि टी से हमें मुख्य उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होने वाला पादप भाग है वो है लीफ। जब लीफ ही सामान्य रूप से हरे रंग की नहीं होगी तो इसमें वांछित तेल के लोड्स नहीं पाए जाते हैं अथवा कम होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि मृदा में सल्फर की कमी हो जाती है तो उस मृदा में ऐसा क्या डाला जाए, कौन सा उर्वरक डाला जाए जिसके कारण सल्फर की पूर्ति हो जाए। तो सामान्यतः विद्यार्थियों नाइट्रोजन युक्त और पोटाश युक्त उर्वरक यदि हम मृदा में डाल रहे हैं तो उसके साथ में सल्फर की पूर्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक कमी हो जाती है उस स्थिति में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। जिप्सम से मृदा को उपचारित करने पर सल्फर की पूर्ति हो जाती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज डिस्कस किया मिनरल न्यूट्रिशन के इस पार्ट में मैग्नीशियम और सल्फर के विभिन्न कार्य तथा इनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों के बारे में। हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के कार्य और इनसे उत्पन्न होने वाले लक्षण और रोग। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।